एंड दिस इज सृष्टि, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट वुड मीन अ लॉट टू मी इफ यू स्पेयर अ सेकंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट करा है। सो ये लुक मैंने क्रिएट करा है सिर्फ लिपस्टिक से। लिपस्टिक से ही मैंने ब्लश यूज़ किया है, लिपस्टिक को एज अ मैंने ब्लश यूज़ किया है और लिपस्टिक को ही एज अ मैंने आई शेडो यूज़ किया है। सो मैंने यूज़ करी है ये बुलेट लिपस्टिक, बट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपके पास लिक्विड लिपस्टिक हो, आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, बुलेट लिपस्टिक हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिप बाम है, तो आप लिप बाम को भी एज अ ब्लश और आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। और लिप लाइनर को भी चाहे तो उसको भी एज अ ब्लश और आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला लुक इस लिपस्टिक से क्रिएट किया है, बट मैं बाकी इन चीज़ों को भी ब्लेंड करके आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता चले कि ये चीज़ों से भी ये लुक क्रिएट हो सकता है। ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। मैं आपको एक एक चीज़ ब्लेंड करके बता दूंगी अपने हाथ पे अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों से भी बहुत अच्छा लुक आता है। तो आपके पास इन चारों में से कोई कुछ भी होना चाहिए, आपका काम चल जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ये वाली लिपस्टिक लूँगी, इसको मैं लगाऊँगी अपने चीक्स पे, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। वैसे ज़्यादा भी लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली ब्लेंड हो जाती है। सो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है ये। आपको जैसे भी ब्लेंड करना हो आप कर सकते हैं। कैमरे में आपको कलर इतने क्लियरली नहीं दिखेगा, बट बहुत ही अच्छा कलर आया था और पूरा लुक बहुत अच्छा था। सो एकदम परफेक्ट लुक आया था, ना ही ज़्यादा था ना ही कम लग रहा था, बट कैमरे में आपको कम ही दिखेगा। अब ये वाली लिपस्टिक से हम आई शेडो लगाएंगे। ओके, सो अब हम इसको ऐसा आई शेडो यूज़ करेंगे। सो आई शेडो के लिए हम इसको अपनी आईलिड्स पे लगा लेंगे इस टाइप से। अब हम अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, उससे और अच्छी फिनिशिंग आएगी। बट ये लिपस्टिक इजीली ब्लेंड हो जा रही थी, इतना कुछ मुझे ब्रश की ज़रूरत नहीं लगी, इसीलिए मैंने हाथ से ही कर लिया। आपको ऐसे देखने पे इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, बट सामने से बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक आया था एकदम। अब मैं सारी चीज़ों को अपने हाथों पे ब्लेंड करके बताऊंगी, सो दैट आपको भी पता चल जाए कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं और उनको भी एज हम आई शेडो और ब्लश यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फेस पे तो मैंने ऑलरेडी ये वाली लिपस्टिक लगा ली थी, सो मैं सारी नहीं लगा सकती वरना मैं कार्टून दिखूंगी, इसीलिए मैं आपको हाथ पे ब्लेंड करके बता देती हूँ सारी, कि आपको खुद समझ आ जाए कि सारी अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे लिप बाम को ब्लेंड करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो ब्लेंडर और ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं आई शेडो और ब्लश के लिए, बट अगर आपको हाथ से करना है तो हाथ से भी इजीली हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है या फिर आपको और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप ब्रश और ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको लिक्विड लिपस्टिक को ब्लेंड करके दिखाऊंगी। इससे जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही हो ब्लेंड करने में, तो आप थोड़ी सी जेल या फिर मॉइस्चराइज़र कुछ भी आप यूज़ करते हो तो उसको थोड़ा सा बिल्कुल लेना है और उसकी हेल्प से आप ब्लेंड कर सकते हैं, तो ईजीली ब्लेंड हो जाएगा। बट हाँ, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है कि आपकी ब्लेंड करने में वो बस अच्छे से हेल्प करते, ज़्यादा भी नहीं लेना है। अब मैं ब्लेंड करके दिखाऊंगी आपको लिप लाइनर से। सो लिप लाइनर को भी हम एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपने कभी सुना हो लिप लाइनर को एज अ ब्लश यूज़ करते हुए, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ और मेरे लिए ये है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। सबसे ज़्यादा मैं लिप लाइनर को ही एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास आई शेडो या ब्लश नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इन चारों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो आप उससे बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। So that's it for today's video. I hope आपने वीडियो को enjoy किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay home, stay safe. Bye-bye.